राज्य सरकार इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ा कर दे, इस मांग को लेकर सोमवार को पशु वैद्यकीय चिकित्सकों ने आंदोलन किया। इस दरमियान बात करते वक्त उनका कहना था कि मंत्रियों को हमारी मांगे बताने के बावजूद वो हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर तीव्र निषेध की भी चेतावनी दी। सोमवार को पशु वैद्यकीय कॉलेज के विद्यार्थियों और डॉक्टर की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए आंदोलनकारियों की मांग थी कि राज्य सरकार हमें हमारा इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ा कर दे। उनका कहना था कि राज्य सरकार हमें किसी भी प्रकार का अलाउंस नहीं दे रही, 7,500 जो हमें मिल रहे हैं वो विद्यापीठ की ओर से दिए जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार हमारा इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ा कर दे, ऐसी उन्होंने मांग की। नमस्कार, माझं नाव चैतन्य कदम। आमच्या या ठिकाणी मूळ मागण्या आहेत की विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचा अलाउन्स हा आम्हाला वाढून भेटला पाहिजे। आम्ही मागील 3-4 वर्षापासून सातत्याने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत, परंतु राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे। सध्या आम्हाला इंटर्नशिप अलाउन्स 7,500 रुपये भेटतो आणि तो 7,500 इंटर्नशिप अलाउन्समध्ये राज्य शासन काही कंट्रीब्यूट करत नाही, ते सगळं आम्हाला विद्यापीठ आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं ICAR इन्स्टिट्यूट आम्हाला ते देत असतं। तर आमची अशी मूळ मागणी आहे की राज्य शासनानं आम्हाला इंटर्नशिप अलाउन्स हा वाढून दिलाच पाहिजे। राज्य शासनाचं सध्या अधिवेशन चालू आहे आणि राज्य शासनानं जर काय आम्हाला इंटर्नशिप अलाउन्स या पुढच्या काही दिवसामध्ये जर वाढून नाही दिला, तर आम्ही तोपर्यंत जोपर्यंत आम्हाला वाढून नाही देणार तोपर्यंत आम्ही आमची स्ट्राईक चालू ठेवणार। महाराष्ट्रातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने आणि व्हेटरनरी कॉलेजचे सगळे हॉस्पिटल्स आम्ही त्या ठिकाणी बंद ठेवणार आहोत। पशुवैद्यकीय मंत्र्यांकडे सुद्धा आमचा सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे, परंतु मंत्र्यांचं सातत्याने आमच्याकडे दुर्लक्षच होत आलेलं आहे। आंदोलनकारियों का कहना था कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम पशु वैद्यकीय कॉलेज और हॉस्पिटल बंद रखेंगे। साथ ही कहा कि मंत्री हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।